हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज यानी IGI PES में चल रहे कोर्स BSc इन फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर रिटर्न एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करूंगा। BSc के एंट्रेंस में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। ये वीडियो का पार्ट वन है और इसमें हम स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूंगा हर क्वेश्चन को, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप वीडियो का पार्ट टू देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन्स, फाइबर, फैट्स या मिनरल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, फाइबर। दोस्तों, फाइबर को न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोटर एबिलिटी इज कंसीडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दी गई चार बायोमोटर एबिलिटीज में से वो कौन सी बायोमोटर एबिलिटी है जिसे इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, स्पीड। दोस्तों, स्पीड एक ऐसी बायोमोटर एबिलिटी है जिसे इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है मैं आपको बता दूं। देखिए, रिसर्च में ऐसी बात सामने आई है कि जो स्पीड होती है वो जेनेटिक होती है। किसी भी ह्यूमन बीइंग जो स्पीड होती है उसे मैक्सिमम 5-10% तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड हमारी जेनेटिक होती है। हमारे बॉडी के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर और एक होते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर। अगर हमारी बॉडी में स्लो ट्विच मसल फाइबर हैं तो हम एरोबिक कैपेसिटी कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारी एंड्योरेंस अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं तो हमारे अंदर अनैरोबिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि स्पीड वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्पीड है उसे इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टू डू विद मोटिवेशन सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका मोटिवेशन सिस्टम से मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। ऑप्शंस दिए गए हैं हैबिट, ड्राइव, नीड या मोटिव। इसका राइट आंसर होगा हैबिट। दोस्तों, जो हमारी हैबिट होती है उसका मोटिवेशन का जो सिस्टम होता है उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। हमारी जो हैबिट होती है वो हमारी खुद की बनाई हुई होती है। तो ये जो ड्राइव है, नीड है, मोटिव है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन के लिए, लेकिन हैबिट तो बिल्कुल यहाँ पर ऑड सा है, इसलिए दोस्तों ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइएस्ट ऑनर इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार स्पोर्ट्स अवार्ड में से वो कौन सा स्पोर्ट्स अवार्ड है जिसे इंडिया में स्पोर्ट्स के फील्ड में हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या अर्जुन अवार्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस डज नॉट अकर ड्यू टू एजिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चार फिजियोलॉजिकल चेंजेस में से वो कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज है जो एजिंग की वजह से यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शनिंग से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो नहीं होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं नंबर ऑफ ब्रेन सेल डिक्रीजेस, डाइजेस्टिव रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन, हार्ट साइज डिक्रीजेस, बोन्स श्रिंक इन साइज एंड डेंसिटी। द राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, हार्ट साइज डिक्रीजेस। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो हार्ट का साइज है
तो ऐसा नहीं है कि उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट का जो साइज है वो वैसा ही रहेगा चाहे हमारी उम्र बढ़ जाए, ठीक है? तो हार्ट के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज हेल्पफुल इन अस्थमा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए योगा के 4 आसन में से वो कौन सा आसन है जो अस्थमा के लिए हेल्पफुल होता है, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं ताड़ासन, वक्रासन, सुखासन या वज्रासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सुखासन। सुखासन जो आसन होता है दोस्तों वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 गेम्स में से वो कौन सा गेम है जिसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ऑप्शंस दिए गए हैं साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ईस्ट एशियन गेम्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कॉमनवेल्थ गेम्स। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ करेक्टिव मीजर फॉर फ्लैट फीट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लैट फीट एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए यानी इसका जो करेक्टिव मीजर है वो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं वॉक ऑन हील्स एंड टोज, वॉकिंग ऑन वुडन स्टेयरकेस, पिक अप मार्बल विद टोज या परफॉर्म अ त्रिकोणासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, परफॉर्म अ त्रिकोणासन। दोस्तों फ्लैट फीट अगर किसी को पोस्चरल डिफॉर्मिटी है तो इसे सही करने के लिए अगर हम त्रिकोणासन करेंगे तो ये एक करेक्टिव मीजर नहीं है फ्लैट फीट को सही करने का। और ये जो ऊपर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनकी हेल्प से हम फ्लैट फीट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ व्यूमेन इज लेसर देन मैन, बॉडी फैट परसेंट इन व्यूमेन इज हायर देन मैन, हार्ट रेट ऑफ व्यूमेन इज हायर देन मैन या स्ट्रेंथ इज इक्वल इन मैन एंड व्यूमेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्ट्रेंथ इज इक्वल इन मैन एंड व्यूमेन। दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है, मैन और व्यूमेन के अंदर स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं मैन के अंदर एज कम्पेयर टू वुमेन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है? तो क्योंकि ये ट्रू नहीं है इसीलिए इसका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग आसन। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से स्टैंडिंग आसन कौन सा नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं पद्मासन, ताड़ासन, गरुणासन या अर्धचक्रासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पद्मासन। दोस्तों पद्मासन स्टैंडिंग आसन नहीं है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं पद्मासन की क्या पोजीशन है, तो इसे हम स्टैंडिंग आसन नहीं कहते हैं इस वजह से, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं बजटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या प्लानिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्लानिंग। दोस्तों किसी भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम प्लान करें, यानी हमारे पास कितना बजट है, हमारे पास स्टाफ है या नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ से स्टाफ लाना है वगैरह वगैरह। सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है, जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कितना भी अच्छा बजट बना लें, हमारे पास कितना भी स्टाफ हो, लेकिन हम एक अच्छा स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते, तो इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले प्लानिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंट्रामूरल प्रोग्राम। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसे हम इंट्रामूरल प्रोग्राम के लिए एक यूनिट नहीं मान सकते। ऑप्शंस दिए गए हैं एन इंटैक्ट क्लास, अ हाउस, ए क्लास सेक्शन या ए पीयर ग्रुप। इसका राइट आंसर होगा ए पीयर ग्रुप।
दोस्तों जो एक पीयर ग्रुप है, मतलब बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रुप को हम ये नहीं मान सकते कि ये इंट्रामूरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एज अ यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पूरी क्लास से, एक पूरे हाउस से, जैसे कि हाउसेस डिवाइड होते हैं स्कूल्स के अंदर, या क्लास के किसी एक सेक्शन से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पीयर ग्रुप से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी फॉर ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है ओलंपिक गेम्स के लिए जो सुप्रीम बॉडी है वो कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं OCA, ICC, IOC या FIFA। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, IOC। दोस्तों IOC जो है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये ओलंपिक गेम्स की अपेक्स बॉडी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस दिए गए हैं ADHD, मेंटल रिटार्डेशन, आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स या डिसलेक्सिया। इसका राइट आंसर होगा मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से मिनरल की कमी की वजह से हमें गोइटर हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं सोडियम, कैल्शियम, आयरन या आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आयोडीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग टू थेरेपीज डू कंट्रास्ट पाथ कॉम्बाइन। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सी दो थेरेपी हैं जो कंट्रास्ट पाथ को एक साथ करने में हेल्प करती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रोथेरेपी एंड नेचुरोपैथी, हाइड्रोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी, डायथर्मी एंड क्रायोथेरेपी या क्रायोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्रायोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। दोस्तों ये दोनों जो थेरेपी हैं, क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे मिलकर बना हुआ होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ दीज फैक्टर्स रेजेस ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क इन वीमेन। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सा फैक्टर है जो वीमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को बढ़ा देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं लेट मेनोपॉज आफ्टर एज 52, टेकिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अर्ली मेनोपॉज बिफोर एज 45, हैविंग अ BMI ओवर 19 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा लेट मेनोपॉज आफ्टर एज 52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं वाटर, विटामिन, प्रोटीन या मिनरल। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है दोस्तों वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विच इज नॉट द सोशल बैरियर ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है फीमेल को अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा बैरियर सोशल बैरियर नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं रिलीजियस फेथ, लिटरेसी इन द सोसाइटी, फिजिकल डिफरेंसेस या मेल डोमिनेंस। इसका राइट आंसर होगा फिजिकल डिफरेंसेस। दोस्तों जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो सोशल बैरियर नहीं है। सोशल बैरियर रिलीजियस फेथ हो सकता है, लिटरेसी हो सकती है सोसाइटी के अंदर, मेल डोमिनेंस हो सकता है सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं ये सोशल बैरियर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच वन इज मीजर टू बी अ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ बॉडी। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बॉडी की एक कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राणायाम, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक या सूर्य नमस्कार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सूर्य नमस्कार। दोस्तों जो सूर्य नमस्कार होता है अगर हम उसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे
तो इससे हम पूरी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच थियोरी ऑफ एग्रेशन ऑफर सम ऑप्टिमिज्म इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एग्रेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे चार थियोरी के नाम दिए गए हैं, इनमें से वो कौन सी एग्रेशन की थ्योरी है जो कि एग्रेशन के लिए एक तरह से होप का काम करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं द फ्रस्ट्रेशन इमोशन थियोरी, द सोशल लर्निंग थियोरी, द इंस्टिंक्ट थियोरी या द कैथार्सिस थियोरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, द सोशल लर्निंग थियोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टाइल ऑफ कबड्डी इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कबड्डी के अंदर कौन सा स्टाइल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। ऑप्शंस दिए गए हैं संवाहिनी, सर्कल, संजीवनी या नेशनल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, संजीवनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स अगेंस्ट देयर ओपोनेंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी कंट्री की हॉकी की टीम है जिसने हिस्ट्री के अंदर अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं इंडिया, पाकिस्तान, हॉलैंड या जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इंडिया। दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी है कि उसने अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन द मसल। क्वेश्चन में पूछा गया है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में हमारी जो मसल होती है वो कैसी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं नाइदर शॉर्टन्स नोर लेंथन्स, यानी ना तो वो छोटी होती है और ना ही उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ऑप्शन 2 है शॉर्टन्स एज वेल एज लेंथन्स, यानी वो शॉर्ट भी होती है और उसकी लेंथ भी बढ़ती है, मतलब छोटी भी होती है और लंबी भी होती है। ऑप्शन 3 है शॉर्टन्स, यानी सिर्फ छोटी होती है। और ऑप्शन 4 है लेंथन्स, यानी सिर्फ लंबी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, नाइदर शॉर्टन्स नोर लेंथन्स। दोस्तों, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन जो है मसल की, उसमें हमारी मसल का शेप और साइज चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन इंजरीज कॉल्ड स्प्रेन। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार बॉडी पार्ट्स में से वो कौन सा बॉडी का पार्ट है जो स्प्रेन इंजरी में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बोन्स, टेंडन्स, लीगामेंट्स या ब्लड वेसल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लीगामेंट्स। दोस्तों, जो लीगामेंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक इंजरी हो जाती है जिसे हम स्प्रेन बोलते हैं। स्प्रेन जो है वो एक लीगामेंट की इंजरी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, टू अ स्प्रेन्ड एंकल डू नॉट अप्लाई एन आइस पैक फॉर मोर देन। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आपके एंकल में स्प्रेन हो गया है तो उस पर आइस हमें कितने समय तक अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं 15 टू 20 मिनट्स, 5 टू 10 मिनट्स, 10 टू 15 मिनट्स या 20 टू 30 मिनट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 20 टू 30 मिनट्स। दोस्तों, अगर हमारे एंकल में स्प्रेन हो गया है तो हमें 20 से 30 मिनट तक उस पर आइस अप्लाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्कोलियोसिस इज अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कोलियोसिस एक पोस्टरल डिफॉर्मिटी है, ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं लेग, हैंड, वर्टेब्रल कॉलम या फुट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वर्टेब्रल कॉलम। दोस्तों, जो स्कोलियोसिस पोस्टरल डिफॉर्मिटी होती है वो वर्टेब्रल कॉलम से रिलेटेड होती है। स्कोलियोसिस एक ऐसी पोस्टरल डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं वो एस शेप में हो जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। स्कोलियोसिस जिस पेशेंट को होता है उसका जो एक साइड का शोल्डर होता है वो एक तरफ झुका हुआ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ऑप्शंस दिए गए हैं 8 मार्च, 8 जून, 8 फरवरी या
8 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 8 मार्च। जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अ डिसेबिलिटी मे नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से किसके अंदर डिसेबिलिटी प्रेजेंट नहीं हो सकती। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्टिनेंस, डेक्सटेरिटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन 2 है सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन 3 है स्पीच, हियरिंग और आईसाइट। ऑप्शन 4 है मोबिलिटी, परसेप्शन और मेमोरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोशल इंटरेक्शन। दोस्तों सोशल इंटरेक्शन से डिसेबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती। बाकी ये जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं इनकी वजह से हमारी बॉडी में डिसेबिलिटी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन यहाँ पर बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, तो इसी वजह से ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। लोडोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोडोसिस जो कि एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसे और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं राउंड बैक, बैक कर्व, लेटरल बैक या होलो बैक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होलो बैक। लोडोसिस जो है वो एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसे हम होलो बैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आइडेंटिफाई द बोन इंजरी। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन सी इंजरी है जिसे हम बोन इंजरी कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं स्प्रेन, ग्रीन स्टिक, लिक्रेशन या स्ट्रेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ग्रीन स्टिक। दोस्तों जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो हमारी बोन की इंजरी होती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर स्मॉल चिल्ड्रंस के अंदर होता है क्योंकि जो उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। वो कुछ इस तरह से हो जाती हैं जैसे आपने देखा होगा जो ग्रीन ब्रांचेस होती हैं पेड़ों की, अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कैसी हो जाती हैं, उसके फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं लेकिन वो पूरी तरह से टूटती नहीं है। तो सेम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर भी होता है, ये छोटे बच्चों की बोन्स के अंदर होती है ये वाली इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बेस्ट मेथड टू इन्हेंस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इज। क्वेश्चन में पूछा गया है हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं यानी जो हमारे पैर होते हैं उनके अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बाउंडिंग ट्रेनिंग एंड डेप्थ जंप्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मड रनिंग या सैंड रनिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बाउंडिंग ट्रेनिंग एंड डेप्थ जंप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स स्ट्रेंथ गेन्स कम लार्जली थ्रू। क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ गेन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक किसके थ्रू आते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, डिप्स एंड स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अपहिल रनिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वेट ट्रेनिंग। दोस्तों वेट ट्रेनिंग की हेल्प से हम सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं उनमें वेट ट्रेनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे हमारी मसल्स जो होती हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं डज नॉट डिपेंड ऑन मास, यानी जो एक्सीलरेशन होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन 2 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑप्शन 3 है इज डिवाइडेड बाय मास और ऑप्शन 4 है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ADHD स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है ADHD की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपो डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या
अटेंशन डेफिसिट हाइपोएक्टिव डिसऑर्डर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में कौन से ईयर में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया। ऑप्शंस दिए गए हैं 1896, 1904, 1900 या 1924। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1900। इंडिया ने 1900 में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो किस टाइप के जॉइंट होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, बाईएक्सियल जॉइंट, ट्राईएक्सियल जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट या यूनिएक्सियल जॉइंट। इसका राइट आंसर होगा ट्राईएक्सियल जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट होते हैं दोस्तों, वो ट्राईएक्सियल जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, होम रन इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है, होम रन कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बैडमिंटन, बेसबॉल, एक्वेटिक्स या एथलेटिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसबॉल। होम रन जो टर्म है दोस्तों, वो बेसबॉल गेम में यूज होता है। जिस तरह से क्रिकेट गेम में जब बॉल बाउंड्री क्रॉस कर लेती है तो उसे हम सिक्स बोलते हैं, इसी तरह से बेसबॉल गेम में जब बॉल बाउंड्री क्रॉस करती है तो उसे हम बोलते हैं होम रन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेनिंग एडेप्टेशंस ओनली टेक प्लेस इफ द ट्रेनिंग स्टिम्यूलस इज ग्रेटर देन द हैबिचुअल स्टिम्यूलस इज द प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊपर एक प्रिंसिपल की डेफिनेशन दी गई है, जो कि अभी मैंने आपको पढ़कर बताई है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। यहाँ पर पूछा गया है, ये जो डेफिनेशन है ये किसका प्रिंसिपल है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोग्रेशन, स्पेसिफिसिटी, ओवरलोड या रिवर्सिबिलिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, प्रोग्रेशन। दोस्तों, प्रोग्रेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन ऑफ लोड। ये जो ऊपर डेफिनेशन मैंने आपको पढ़कर बताई है, ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल प्रोग्रेशन ऑफ लोड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, स्प्रेन इज अ टाइप ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेन किस टाइप की इंजरी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बोन इंजरी, टेंडन इंजरी, लीगामेंट इंजरी या मसल इंजरी। इसका राइट आंसर होगा लीगामेंट इंजरी। स्प्रेन जो है दोस्तों, वो एक लीगामेंट की इंजरी है। जब हमारे लीगामेंट या तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं या ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें स्प्रेन इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ पीरियडाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जो पीरियडाइजेशन होता है, नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा पीरियडाइजेशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फिटनेस फेज, ट्रांजिशनल फेज, कॉम्पिटिटिव फेज या प्रिपरेटरी फेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, फिटनेस फेज। फिटनेस फेज जो है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो पीरियडाइजेशन होता है उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, स्पिग्मोमीटर इज यूज टू मीजर। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्पिग्मोमीटर का जो हम यूज करते हैं वो क्या चीज मीजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड हीमोग्लोबिन या ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ब्लड प्रेशर। स्पिग्मोमीटर का यूज हम ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, IAAF स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है,
IAAF की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंडियन अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स एंड फील्ड इवेंट्स या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ये ही IAAF की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर फाउंड टू बी द मोस्ट एजाइल। क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो किस गेम के प्लेयर हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एजिलिटी होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जिमनास्ट, डाइवर्स, स्विमर्स या हाई जंपर एथलीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जिमनास्ट। दोस्तों, जो जिमनास्टिक के प्लेयर होते हैं वो सबसे ज़्यादा एजाइल होते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर एजिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एजिलिटी का मतलब होता है टू चेंज डायरेक्शन वाइल्स इन स्पीड, यानी कि हम स्पीड में चल रहे हों या स्पीडली किसी भी मोमेंट में हों हम, और सडनली हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाए, उसे हम बोलते हैं एजिलिटी। अगर हम डायरेक्शन सही से चेंज कर लेते हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर एजिलिटी अच्छी है, तो जिमनास्ट में सबसे ज़्यादा एजिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन में पूछा गया है, IPL के अंदर कौन सा वो पहला इंडियन प्लेयर है जिसने सबसे पहले सेंचुरी बनाई। ऑप्शंस दिए गए हैं, मनीष पांडे, गौतम गंभीर, सचिन या राहुल द्रविड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, मनीष पांडे। मनीष पांडे इंडिया के वो पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने IPL में सबसे पहले सेंचुरी स्कोर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इफ द मसल टेंशन सस्टेन एंगर इट विल प्रोड्यूस। ऑप्शंस दिए गए हैं, मेंटल डिस्ट्रेस, एक्स एंड पेन्स, मसल सोरनेस या मसल टीयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, एक्स एंड पेन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मैनी गोल्ड मेडल इंडिया वन एट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स CWG। क्वेश्चन में पूछा गया है, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते। ऑप्शंस दिए गए हैं, 22, 26, 25 या 30। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 26। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इंडिया ने 26 गोल्ड मेडल्स जीते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, टू विच स्पोर्ट्स 360 डिग्री फॉर्म इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कौन से गेम हैं जिनमें 360 डिग्री फॉर्म टर्म का यूज किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉकी, जिमनास्टिक्स, डाइविंग या A&C। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, A&C, यानी कि हॉकी और डाइविंग। ये दोनों ऐसे गेम हैं जिसके अंदर 360 डिग्री फॉर्म ये टर्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल या बोन मैरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। जो हीमोग्लोबिन होते हैं दोस्तों, वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 50 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, वो क्वेश्चन आप वीडियो के पार्ट 2 में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।